तो दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आपका मीटर जो है ना वो कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा बताता है, कभी भी ज़्यादा ही बताता है, तो 2-3 वोल्ट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे कि 10 से 12, 13, 14 वोल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 13 वोल्ट तक फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके आगे अगर प्रीसेट वाला सर्किट है तो 14-15 वोल्ट भी हो सकता है, और नहीं तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। तो इतना वोल्टेज अगर आ रहा तो ये मान के चलिए कि हमारा पावर सप्लाई ओके है। अब हम जो ही चालू करते हैं, हम प्रोब इसी पर रख लेंगे, जैसा कि हमें 110 पे प्रोब रख के टीवी चालू करना है। तो हमने टीवी चालू किया तो देखेंगे टीवी हमारा जो चालू है वो वोल्टेज देखिए कम, धीरे 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 कम हो जा रहा, देखिए बंद हो गया। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि प्रॉब्लम हमारा पावर सप्लाई में ही है, पावर सप्लाई में ये फॉल्ट है। तो पावर सप्लाई में क्या फॉल्ट हो सकता है? इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पावर सप्लाई लोड नहीं ले रहा है, दूसरा क्या है कि हमें लूज कनेक्शन भी ढूंढना रहता है, क्योंकि टीवी हमारा तुरंत बंद नहीं पड़ रहा है, कभी कभी बंद पड़ रहा है, या चालू करते ही बंद पड़ रहा है, या साउंड बढ़ाने पर बंद पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए अभी मैंने इसमें ड्राई मारा है, देखिए यहाँ पर मैंने ड्राई मारा है, इसका जो STR है यहाँ पर ड्राई मारा है। तो इसमें एक तो ख़राब होने के चांस होता है, जैसे कि ये लोड नहीं ले रहा है तो इसको ऑटो कपलर ख़राब हो सकता है, आप इसे डाल लीजिए। पहले तो आप इसको ना ड्राई मारिए, लूज कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे ड्राई कर लीजिए, उसके बाद चालू करेंगे तो वहाँ शायद आपका काम वहीं पर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका ऑटो कपलर, ये ख़राब हो सकता है, 431 कभी कभी ख़राब रहता है, तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है दोस्तों। तो ये पावर सप्लाई का अगर यहाँ से प्रॉब्लम होता तो ठीक है। अब यहीं पर आ गया कि आपका 110 वोल्ट आ रहा है, चालू करते ही टीवी चल रहा है, मतलब उसके बाद बंद हो रहा था, आपका 100 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है और टीवी बंद हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपका पावर सप्लाई ओके है। अब हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है ESD का जो वोल्टेज होता है, ESD से अच्छा आउटपुट तक का वोल्टेज होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्वाइल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल वाले वायर पे, जैसे जो यहाँ पे जाता है योक पर, तो यहाँ पर क्वाइल लगा होता है, तो ये क्वाइल कभी कभी लूज कनेक्शन रहेगा, ये वी लाइन हो जाता है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वी लाइन होने के बाद लाइन एकदम बारीक हो जाती है ट्यूब के सामने, और हमें लगता है कि यार टीवी बंद है, लेकिन जब हम स्क्रीन बढ़ाएंगे तो हमें दिखता है हल्का हल्का। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम रहता है। और अगर साउंड आपका आ रहा है तो मान के चलिए कि वी लाइन का प्रॉब्लम है, अगर साउंड भी साथ में जा रहा है तो ये मान के चलना कि प्रॉब्लम कुछ और है, वी लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि योग का कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें हमें क्या ढूंढना, फिर हमें ढूंढना कि ESD का भी जैसे ड्राई मैंने किया है, मैंने डी शोल्डरिंग किया है फिर से, तो ये शोल्डरिंग फिर से करना हमें है, क्योंकि ये भी कभी कभी लूज रहता तो हमारा वोल्टेज यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, उसके बाद ESD पे जाते ही कहीं से या तो रेजिस्टेंस हमारा लूज है, या तो अच्छा आउटपुट का कोई बेस इमीटर कलेक्टर कोई भी एक पिन लूज रहेगा। तो कलेक्टर का तो पिन जल्दी से होता नहीं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग रहता है उसका सोल्डरिंग, ये जो कलेक्टर बेस और इमीटर का रहता है वो कभी कभी लूज होने की वजह से प्रॉब्लम ऐसा आता है दोस्तों। और ESD का भी कभी कभी ये पॉइंट कोई ऐसा लूज हो जाएगा ना, ज़्यादा चलने से टीवी ज़्यादा गर्म होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ एक फॉल्ट हो सकता है। तो दूसरा ये सेक्शन हो गया। अब तीसरा प्रॉब्लम जो आता है, अब जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया चिप आईसी दे दिया है, ठीक है, SMD चिप आईसी दे दिया है, इसके जगह पे अगर लंबी वाली आईसी रहेगी, वो लंबी वाली एक आईसी आती है, अगर वो आईसी रहेगी तो वो आईसी भी लूज कनेक्शन होता है। आप देखेंगे ध्यान से, उसका जो जितने भी पिन रहेंगे ना वो ज़्यादा हीट होने की वजह से ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद उसकी वजह से टीवी बंद पड़ता है कभी कभी। तो दोस्तों यहाँ एक कारण होता है उस आईसी का, लेकिन इस आईसी का चांस बहुत कम होता है कि ये ड्राई हो, तो ये एक चीज़ है। तो आइए फिर, यहाँ पे तो फिलहाल ये चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा जो फॉल्ट निकला है ये पावर सप्लाई का निकला है। और पावर सप्लाई में जैसे कि मैंने बताया कि अगर 110 आके जा रहा है तो आपका प्राइमरी में फॉल्ट है, और अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्टॉप है, टीवी बंद पड़ रहा है, तो आपको ESD के यहाँ फॉल्ट ढूंढना है, या तो ये क्रोमा वाली आईसी जो होती है सिस्टम क्रोमा आईसी, इस पर दूसरी जो आईसी होती है वो लूज कनेक्शन का एक चांस होता है दोस्तों। तो यहाँ से भी आप जो कि फॉल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, यही इसका मेन जो सेक्शन है फॉल्ट निकालने का, 3 सेक्शन जो मैंने आपको बताया, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका फॉल्ट आसानी से निकल जाएगा। और तो कुछ है ऐसा नहीं कि जो चालू में बंद हो जा रही है, तो कारण वही है। और बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।